तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। ये कश्मीर की महिला पत्रकार हैं, लेकिन इनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है और जिस तरीके से किया गया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज के भारत की स्थिति कैसी हो गई है, लोकतंत्र के अम्मा की तबीयत कैसी है। इसका पूरा मेडिकल रिपोर्ट आप इस एक घटना से बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। कौन है ये कश्मीरी पत्रकार, क्या है इनकी विशेषता और इनके साथ क्या कुछ हुआ है, इस पूरे मामले पर बेहद आसान भाषा में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। भूखमरी के आंकड़ों पर इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बताती हैं कि सच में हम विश्वगुरु हैं। मैडम की बातें जरूर सुनिएगा और वैश्विक स्तर पर इनकी बातें कितनी हास्यास्पद हो सकती हैं इस पर विचार जरूर करिएगा। इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने अपने स्वर्गीय पिताजी को याद किया है, क्यों याद किया है ये भी बताएंगे। उधर मध्य प्रदेश में विधायकों के पास कितना पैसा है इसका आंकड़ा सामने आ गया है, बहुत चौंकाने वाला है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे गुजरात के दामाद की। अब गुजरात का दामाद कौन है जिसकी चर्चा करनी है, अंदाजा लगाते रहिए। उधर भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ विशेष बातें अपने भाषण में कही हैं, उन बातों का बढ़िया वाला, एकदम बढ़िया वाला पोस्टमार्टम भी करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नाले के भीतर उतरकर साफ सफाई करने वालों के लिए निर्देश दिया था कि यदि इस काम में किसी का जीवन समाप्त होता है तो उसे 30 लाख रुपए से मदद की जाएगी, अस्थायी विकलांगता होने पर 20 लाख रुपए और उससे कम विकलांग होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको शायद याद होगा कुछ साल पहले देश के प्रधानमंत्री सर पर मैला ढोने वालों को लेकर, साफ सफाई करने वालों को लेकर और नाले में उतरकर सफाई करने वालों को लेकर बड़े चिंतित नजर आते थे। ये अलग बात है कि आज की तारीख में यदि आप पूछ लें कि पिछले 9 सालों में इन लोगों के लिए क्या क्या किया गया, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं दी गई जिनसे इनके जीवन में सुधार हुआ, क्या 9 साल में मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था कर पाई कि इन लोगों को नाले में उतरकर सफाई न करनी पड़े, क्योंकि कुछ साल पहले ही देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया गया था। उम्मीद है कम से कम स्मार्ट सिटिया में तो ये व्यवस्था हो ही गई होगी कि कोई भी व्यक्ति नाले में उतरकर नाले की सफाई नहीं करता होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग विश्वगुरु में प्रवेश करने वाले हैं, एकदम आउटर पर खड़े हैं, तो इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है। मगर इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो साल 2013 में नाले में उतरकर साफ सफाई करने के विरुद्ध जो अधिनियम बनाया गया था उसे सख्ती के साथ लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस घृणित प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करें, यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए सीवरों के भीतर प्रवेश न करना पड़े, यानी नाले में न घुसना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए ताकि निगमों, रेलवे छावनियों तथा अपने नियंत्रण वाले सभी वैधानिक निकायों को निर्देश जारी करना चाहिए कि वो चरणबद्ध तरीके से इस प्रथा को समाप्त करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों और मरने वालों के संबंध में पूर्ण पुनर्वास का उपाय भी किया जाए, मुआवजा बढ़ाया जाए और सरकार की जवाबदेही तय की जाए। जो बात देश के प्रधानमंत्री कई साल पहले अपने भाषणों में शामिल किया करते थे, आज उसी समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के निर्देश दे रहा है। यानी मामला साफ है कि भाषण सिर्फ भाषण ही रहे, जमीन पर कुछ उतरा नहीं। मुझे सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे कुछ साल पहले के वो मैसेज याद आते हैं जहां बड़ी बड़ी मशीनें दिखाकर यह दावा किया जाता था कि ये सारी मशीनें गुजरात में हैं, वहां के लोगों को नाले में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक साफ हो जाता है। यह भी बताया जाता था कि गुजरात में जब सड़क बनती है तो आसपास के पेड़ों को काटा नहीं जाता, उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगा दिया जाता है, उसके लिए भी बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई जाती थी, लेकिन आज तक ये सारी मशीनें आंख से देखने को नहीं मिली। बहरहाल अब पहले कश्मीरी पत्रकार सफीना नबी की बात कर लेते हैं। कुछ महीना पहले ही अमेरिकी यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री से वहां की एक महिला पत्रकार ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा लोकतंत्र से संबंधित सवाल कर लिया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हमारी रगों में लोकतंत्र बहता है, हम लोकतंत्र को जीते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र की अम्मा की बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कह दी। हालांकि भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, मीडिया की स्थिति क्या है, सवाल पूछने वालों के साथ क्या क्या हो रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। मगर इस बार जो एक नई कहानी सामने आई है ये भारत में वर्तमान में लोकतंत्र की परिस्थितियों को और अच्छे से परिभाषित करती है। कश्मीरी पत्रकार सफीना नबी को पुणे के एक निजी संस्थान महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, मगर यह पुरस्कार दिया नहीं गया। द वायर के अनुसार सफीना नबी को आधिकारिक तौर पर पुरस्कार देने के बारे में सूचित करते हुए एक हवाई जहाज का टिकट भी भेजा गया था ताकि अवार्ड लेने के लिए वो 18 अक्टूबर को पुणे पहुंचे, लेकिन 16 अक्टूबर को उन्हें बताया गया, 2 दिन पहले बताया गया कि उनका पुरस्कार रद्द कर दिया गया है और उन्हें यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अवार्ड वापस लेने के 2 दिन बाद इस कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि उन्होंने अपना फैसला इसलिए बदला क्योंकि सफीना के विचारों को संभावित रूप से विवादास्पद माना जा सकता है और वे सरकार की विदेश नीति के अनुरूप नहीं थे। अगली बात पर जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्रॉल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सफीना नबी को द हाफ विडोज ऑफ कश्मीर को समाज में सहानुभूति, समझ और समावेशिता को बढ़ावा देने वाली पत्रकारिता की श्रेणी में विजेता चुना गया था। इसमें कश्मीर की उन हाफ विडोज यानी ऐसी महिलाएं जिनके पति काफी समय से गुम
गुमशुदा हैं उनकी दुर्दशा को सफीना नबी ने सामने लाया था। यानी विधवा उस महिला को कहा जाता है जिसके पति इस दुनिया में ना हो, लेकिन कश्मीर में आधी विधवाओं की समस्याओं पर सफीना नबी ने जमकर बात की थी। ये आधी विधवा वो महिलाएं हैं जिनके पति काफी समय से लापता हैं, यानी कि है कि नहीं ये पता ही नहीं है। अब आप सफीना नबी के उत्कृष्ट कार्य के बारे में समझ गए होंगे। पुरस्कार रद्द करने पर नबी ने दवायर को बताया कि यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उसने दक्षिण पंथी राजनीति दबाव के कारण पुरस्कार को रद्द कर दिया। दक्षिण पंथी राजनीतिक दबाव किसका है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। पुणे भारत के किस राज्य में पड़ता है, उस राज्य में सत्ता किसकी है और केंद्र में सत्ता किसकी है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। उधर जब सफीना को यह अवार्ड देने से मना कर दिया गया तो इसके विरोध में 3 स्वतंत्र जूरी सदस्यों ने अवार्ड समारोह में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। इनमें एक थे दवायर के संस्थापक संपादक M.K. वेणु। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट का यह निर्णय चौंकाने वाला था। मैं सुनंदा संदीप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पुणे में थे। पुरस्कार रद्द किए जाने की जानकारी मिली तो हमने आपस में चर्चा करके ये फैसला किया कि इसका विरोध दर्ज कराने का सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि हम कार्यक्रम में शामिल ही न हों। कश्मीरी पत्रकारों को बिल्कुल अलग तरीके की सेंसरशिप और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है जो कि पूरी तरह से गलत है। उधर इस संस्थान का कहना है कि भविष्य में और बड़े कार्यक्रम में सफीना को और बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन सफीना नबी ने साफ कर दिया है कि अब वो इस संस्थान के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगी और कोई अवार्ड भी स्वीकार नहीं करेंगी। उधर मुंबई प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार गुरबीर सिंह का कहना है कि अवार्ड वापस लेना घृणित है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। सफीना ने एक स्वतंत्र जूरी के मेरिट के आधार पर यह पुरस्कार जीता था। संस्थान की कार्यवाही सफीना नबी को उनकी कश्मीरियत और राज्य में हुई मानवीय त्रासदी को उजागर करने के लिए सजा दे रही है क्या? क्या यही राष्ट्रवाद है जिसका उद्देश्य देश को एकीकृत करना है, या नस्ली भेदभाव जो हमारे देश को और अधिक विभाजित कर रहा है? पत्रकार होने के नाते हमें यह सोचना चाहिए कि इस गलती को कैसे सुधारा जाए। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूम घूम कर दुनिया का चक्कर लगा के लोकतंत्र की अम्मा का ढिंढोरा पीटते हों, उसी देश में कश्मीर की एक पत्रकार के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, वो भी कथित राजनीतिक दबाव के कारण, दक्षिण पंथी राजनीति के दबाव के कारण। एक तरफ तो सत्ता समर्थित लोग कश्मीर के बारे में पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और दूसरी तरफ कश्मीर के लिए आवाज उठाने वालों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। वाहवा मोदी सरकार। वीडियो में बने रहिए, अभी और बेहद महत्वपूर्ण मामले बचे हुए हैं। आने वाले कुछ दिनों में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनमें से एक मध्य प्रदेश भी है। लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में ADR ने अभी जो रिपोर्ट निकाली है उसे जरा ध्यान से देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जहां पर प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपए प्रति माह है, वहीं ADR की रिपोर्ट में पता चला है कि मध्य प्रदेश में अभी जितने विधायक हैं उनमें से 81% यानी 186 विधायक करोड़पति हैं। ADR की रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 230 मौजूदा विधायकों के पास औसत 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भाजपा के 129 विधायकों में से 107 करोड़पति हैं, जबकि कांग्रेस के 97 विधायकों में से 76 करोड़पति हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक की बात की जाए तो विधायक संजय पाठक मौजूदा विधायकों में से सबसे अमीर हैं, जिनकी कुल संपत्ति 226 करोड़ बताई गई है। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ सबसे अमीर विधायकों की सूची में छठे स्थान पर हैं, उनकी कुल संपत्ति 124 करोड़ की है। और कांग्रेस के सबसे अमीर विधायक संजय शुक्ला हैं, जिनकी संपत्ति 139 करोड़ रुपए बताई गई है। अमीरों की बात हो ही गई है तो अब जरा गरीब विधायकों की भी चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा के 6 विधायक और कांग्रेस के 4 नेताओं के पास सबसे कम संपत्ति है। पंधाना सीट से पहली बार भाजपा के आदिवासी विधायक बने राम दांगोरे के पास मात्र 50,000 की संपत्ति है। वहीं तीसरी बार भाजपा विधायक और मंत्री उषा ठाकुर के पास 7 लाख की संपत्ति है। और अब चरित्र चित्रण भी देख लीजिए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश के सभी विधायकों में से 40% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 20% ऐसे विधायक हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, इस तरह के मामले दर्ज हैं। 20% पर BJP के कुल 30% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कांग्रेस के 97 विधायकों में से 54% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी प्रतिशत यदि देखा जाए तो कांग्रेस में आपराधिक छवि के विधायकों की संख्या BJP की तुलना में 2 गुनी है। और हमने पहले भी कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की है कि राजनीति में अपराधियों का पत्ता काटना किसी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं है। वो काम सिर्फ आप कर सकते हैं अपने वोट के माध्यम से। हाल ही में देखने को मिला था कि मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच तनातनी हो गई। अखिलेश यादव भड़क गए, भड़कते हुए बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल गए। हालांकि देश के सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ये चर्चा चारों तरफ है। मामला यह भी सामने आया कि कांग्रेस ने भी जो किया वो ठीक नहीं था, कम से कम बता ही देते। मगर इन सब के बावजूद अखिलेश यादव की भाषा शैली पर सवाल उठने लगे, चिरकुट विरकुट नहीं बोलना चाहिए। अब अखिलेश यादव का कहना है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें मैसेज भेजा है और जब उनका मैसेज आया है तो मानना पड़ेगा, उनकी बात मानेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि नेताजी हमसे कहकर गए हैं कि कांग्रेस जब भी बहुत कमजोर होगी तो वो आपका सहयोग मांगेगी और आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ देना। इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के जो नेता कांग्रेस के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं
हैं उन पर रोक लगाएंगे तथा नेताजी की बातों के साथ चलेंगे। अब पहले बात कर लेते हैं स्मृति ईरानी की, इसके बाद पीएम मोदी पर चर्चा होगी। हाल ही में हमने आपको बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों की सूची में 11वें स्थान पर पहुंच गया है, यानी नीचे से 14वां स्थान है। और चौंकाने वाली बात यह थी कि आसपास के पड़ोसी भी भारत की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में है। यहां तक कि भारत का गोदी मीडिया, जिस पाकिस्तान को दिन रात भुखमरी का शिकार बताता है, इस इंडेक्स में वो पाकिस्तान भी भारत से काफी ऊपर है। एक सच ये भी है कि इस रिपोर्ट के आने के तुरंत बाद भारत सरकार ने इसे खारिज कर दिया, दोषपूर्ण बताते हुए इस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इसकी आलोचना करते हुए कह रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स समेत कुछ सूचकांक जानबूझकर भारत की सच्चाई पेश नहीं कर रहे हैं। वही कॉन्स्पिरेसी वाली बात। इनका कहना है कि 140 करोड़ के देश में खाली 3000 लोगों को फोन से पूछ लिया जाता है कि क्या भूखे हैं, क्या भूखे हैं, और इसी पर रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। अब स्मृति ईरानी ने आगे जो कहानी सुनाई है, इस कहानी को जरा गौर से सुनिए और इसे सुनने के बाद अपने मन में क्या फीलिंग आती है आपके मन में, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैडम ने कहानी सुनाई कि मैं दिल्ली से अपने घर से 4 बजे निकली थी। मैंने कोच्ची जाने के लिए 5 बजे फ्लाइट पकड़ी। वहां एक कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के बाद शाम 5 बजे यहां आने के लिए फ्लाइट ली। अब जब तक मुझे खाना मिलेगा रात के 10 बज चुके होंगे। अगर दिन में कभी भी कोई भी मुझसे फोन करके पूछता कि क्या मैं भूखी हूं, तो मैं बिल्कुल कहती कि हां भूखी हूं। इसके बाद मैडम जोर जोर से हंसने लगती हैं और कहती हैं कि क्या आप यकीन करेंगे कि ये सूचकांक भूखमरी के मामले में पाकिस्तान को भारत से बेहतर बता रहा है। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने बड़ी अच्छी वाली खिंचाई की है, आप भी देख लीजिए। सुप्रिया लिखती हैं कि स्मृति ईरानी जी, क्या आपको सचमुच लगता है कि वैश्विक भूख सूचकांक की गणना सिर्फ लोगों को फोन करके और उनसे ये पूछ करके की जाती है कि क्या वो भूखे हैं? आप भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होता है, सच कहूं तो शर्म आती है। किसी देश का वैश्विक भूख सूचकांक विशेषतः 4 चीजों पर आधारित होता है, अल्प पोषण, बच्चों में स्टंटिंग, बच्चों में वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर। कृपया करके भूख का मजाक न बनाएं। आप एक अत्यंत सशक्त धनाढ्य महिला हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं। आप जिन हवाई जहाजों पर सुबह से यात्रा कर रही हैं और जिस भी शहर जा रही हैं, वहां स्वादिष्ट और पर्याप्त भोजन उपलब्ध है। व्यस्तता में न खा पाना और पर्याप्त खाना न मिल पाने में अंतर है मैडम। वैसे स्मृति ईरानी को लगे हाथ ये जवाब भी दे देना चाहिए था कि यदि भारत में लोगों को खाने की दिक्कत नहीं है तो सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों दे रही है? और जिस तरीके का उदाहरण स्मृति ईरानी ने अपनी भूख का देते हुए मजाक बनाया है, क्या यह शर्मनाक नहीं है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार द्वारा इस सूचकांक को नकारने के बाद जब दैनिक भास्कर ने संस्थान से बात की तो उनका कहना था कि दुनिया के किसी भी देश ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों को नकारा नहीं है। जिस तरीके से मोदी सरकार हमारी रिपोर्ट को नकार देती है, इसमें खामियां बताती है, पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं करता। लेकिन शायद ग्लोबल हंगर इंडेक्स वालों को यह पता नहीं है कि इसीलिए तो हम विश्वगुरु हैं, जो विश्व नहीं करता वो हम कर देते हैं। जहां भी हमारी कमी सामने आएगी हम उसको गलत बता देंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च में भारत के किसी सेठ पर दुनिया के सबसे बड़े कथित कॉर्पोरेट फ्रॉड का आरोप लगेगा तो हम उसे भारत विरोधी बता देंगे। कह देंगे कि जॉर्ज सोरोस नाम का कोई भारत विरोधी आदमी है, वही पैसा देकर ये सब करवा रहा है, भारत को बदनाम करने की साजिश है, फलाने जी के खिलाफ है ये सब। कहीं से कोई पोल खुलेगी तो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर उसी में छिप जाएंगे, दुबक कर बैठ जाएंगे। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बोलते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्वालियर से हमारा 2 प्रकार का नाता है। पहला तो ये कि काशी में सिंधिया परिवार ने घाट बनाए, और दूसरा ये कि ज्योतिरादित्य गुजरात के दामाद हैं। दूसरा वाला नाता तो समझ में आता है, लेकिन पहला वाला नाता क्या है ये आपको समझ में आ जाए तो हमको भी बता दीजिएगा। इस तरह से तो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे प्रधानमंत्री मोदी का संबंध ना हो और किसी भी व्यक्ति का संबंध ना हो। वैश्वीकरण के इस युग में हर देश से यहां से वहां कुछ ना कुछ आता जाता ही है, और कुछ नहीं जाता तो हवाएं तो आ ही जा रही है, यानी कि पूरी दुनिया से मेरा बहुत गहरा नाता है। चलिए छोड़िए, संबंध बनाना और बताना बहुत अच्छी बात है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों, आपके सपने और संकल्प बड़े होने चाहिए। पिछले दिनों पीएम ने खुद के बारे में भी यही बात कही थी कि मैं छोटे सपने नहीं देखता। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि तात्कालिक स्वार्थ के लिए किए गए काम से समाज को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मैं पीएम बना तो मेरे पास 2 विकल्प थे, तात्कालिक रूप से काम करना या फिर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना। मैंने दूसरा वाला विकल्प चुना। 10 साल में जो फैसले लिए गए वो अभूतपूर्व है। मेरे कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उनका उल्लेख करते हुए पूरी रात बीत जाएगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, पीएम मोदी द्वारा लिए गए बहुत सारे फैसले अभूतपूर्व हैं, जैसे नोटबंदी। नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, आम आदमी को क्या मिला, देश की अर्थव्यवस्था को क्या मिला, किसी को कुछ पता नहीं है। नुकसान छोड़कर कोई फायदा गिनवाना बहुत मुश्किल है, या नामुमकिन कह लीजिए। ठीक उसी तरह से जीएसटी वाला मामला है। कोरोना में ताली थाली बजवाने से लोगों को क्या मिला, ये भी नहीं पता। आप सब जानते हैं कि 5 महीने से जल रहे मणिपुर में ना जाने का फैसला लेकर पीएम मोदी ने देश को कितना बड़ा फायदा पहुंचाया है, और इससे कितने दूर की सोच बाहर निकल कर आती है, इसका जवाब भी वही दे सकते हैं। पीएम केयर फंड बनाकर देश भर के लोगों से कोरोना के नाम पर पैसा मांगा गया और हिसाब देने के नाम पर चुप्पी साध ली जाती है। 9 साल में देश पर कर्ज बढ़कर 3 गुना हो गया। काला धन वालों की सूची स्विट्जरलैंड से मिलने के बाद भी मोदी सरकार जनता के सामने उसे नहीं रख रही है। शायद ये भी पीएम मोदी के कामों की लिस्ट में है, इसीलिए तो रात बीत जाएगी।
2022 में किसानों की आय दोगुनी होनी थी, ये भी लॉन्ग टर्म का काम था, क्या हुआ इसका? 2022 में ही भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन होनी थी, टाइम आगे बढ़ा दिया गया। 2022 में हर गरीब को छत मिलना था, 15 लाख रुपया सबके खाते में आना था बहुत पहले ही, विदेशों से काला धन भी वापस आना था, भ्रष्टाचार समाप्त होना था, 100 स्मार्ट सिटी बननी थी। ये सारे काम दूरगामी सोच के ही परिणाम है। परिणाम क्या है वो आप सब देख ही रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि एक साल की सोच रहे हैं तो अनाज बोइए, एक दशक की सोच रहे हैं तो फल वाले पेड़ लगाइए, एक शताब्दी की सोच रहे हैं तो शिक्षा से जुड़े संस्थान बनाइए। अब सवाल यह है कि क्या इन तीनों कार्यों में से किसी एक कार्य को रोका जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये तीनों एक साथ चलते रहने चाहिए। पेड़ लगाकर इंतजार नहीं कर सकते कि 10 साल भूखे रहेंगे और 10 साल बाद पेड़वा फल देगा तो खा के पेट भर लेंगे। 10 साल भूखे नहीं रह सकते। मगर इसके बावजूद यदि सवाल किया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री एक शताब्दी की सोच ही रहे हैं तो उन्होंने भारत में शिक्षा के लिए ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठा दिया जिसका बखान करते हुए फिर रहे हैं? अमेरिका जाकर झूठ बोल देते हैं कि भारत में हर साल IIM और IIT बनाया जा रहा है, जबकि उन्हीं की सरकार संसद में जवाब देती है कि 5 साल में एक को IIM IIT नहीं बना। देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है आप खुद ही जाकर देख लीजिए। दुनिया भर की रैंकिंग में ढूंढेंगे तो नीचे से नाम खोजना पड़ता है। बड़े बड़े नामचीन विश्वविद्यालयों में देखेंगे तो प्रोफेसर की भारी कमी है, लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, किताब तो छोड़िए बहुत जगह तो लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। बाकी सरकारी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है, खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या हाल है, ये देखना है तो किसी भी विश्वविद्यालय में जाकर देख लीजिए। हालांकि आपके पास टाइम तो है नहीं देखने के लिए, विश्वविद्यालय देखने से क्या होता है जी, 2024 में उद्घाटन है, बाकी सारी समस्याओं का हल वहीं पर मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।